Meine liebe Freunde und Studenten, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh hier an die German Mentor. Friends, आज एक interesting topic मैं बताऊंगा आपको grammar का. हम जो हैं article words को कैसे change करते हैं pronouns के अंदर, pronomen के अंदर. अब ये क्या चीज़ है, जब मैं session शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा friends. तो अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो आज आप ये grammar topic सीखने वाले हैं, और अगर आपको मालूम है तो आपका ये रिवाइज़ हो जाएगा. और अगर आप कोई चीज़ जानते हैं इसके अलावा तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मुझे भी वो चीज़ आपके थ्रू पता लगेगी. फ्रेंड्स, सेशन देखिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा. और फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, जर्मन सीखना चाहें तो विदाउट हेजिटेशन मुझे कॉल कीजिएगा, दिए गए नंबर पर मैं आपको रिवर्ट करूँगा, हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. शुरू करते हैं आज का सेशन, आर्टिकल वर्ड्स को कैसे चेंज किया जाता है प्रोनाउंस में. लेट्स गेट. देखिए, आर्टिकल व्यूटर आल्स प्रोनोमन ऑफ डॉयच. इन जर्मन सम वर्ड्स दैट टिपिकली एक्ट्स एज आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रोनाउंस टू रिप्लेस नाउंस. तो फ्रेंड्स देखिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे. तो पहले सेंटेंस में मैं आर्टिकल्स को यूज़ करूँगा. वो आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, आपके मैस्कुलिन आर्टिकल, फेमिनिन, नॉयथ्रोम, प्लूराल, या उन बेस्टिम्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं, या पोजेसिव आर्टिकल्स हो सकते हैं. लेकिन उन आर्टिकल्स को चेंज करके हम प्रोनाउंस में कैसे बनाते हैं, वही आज का टॉपिक है. तो जो मैंने यहाँ फर्स्ट फ्रेज में लिखा भी हुआ है. सेकंड देखिए, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल व्योटर. इन वर्ड्स को आर्टिकल व्योटर बोलते हैं व्हेन यूज्ड इन दिस कैपेसिटी, एंड दे प्ले अ की रोल इन रेफरिंग बैक टू पीपल और थिंग्स विच आर ऑलरेडी मैंशन इन अदर सेंटेंस. तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहले वाले सेंटेंस में जो भी आर्टिकल वर्ड्स होंगे किसी भी नाउन के, वो हम चेंज करेंगे प्रोनाउन के अंदर, तो उसमें आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल व्यूटर एज प्रोनाउंस अलाउ अस टू रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रेपिटिशन. तो ये जो ग्रामर का टॉपिक है, आर्टिकल जो वर्ड्स होते हैं एज प्रोनाउंस, ये हमें अलाउ करते हैं कि जो नाउन्स पहले वाले सेंटेंस में आ रहे हैं उनको अवॉइड करके जो है आप कर सकते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. दीज वर्ड्स मस्ट एग्री इन जेंडर, नंबर एंड केस विद द नाउन दे रेफर टू. अगर अभी भी आपको ये आज का टॉपिक समझ में नहीं आया, डोंट वरी, ये जस्ट वो सेंटेंसेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको जस्ट आप रीड करिए, आगे जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, आर्टिकल व्यूटर आल्स प्रोनोमन. अब ये पूरा कंप्लीट चार्ट है फ्रेंड्स, जो मैं इस सेशन में यूज़ करने वाला हूँ. तो जैसे कि आप जानते हैं, जर्मन लैंग्वेज में चार ही आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे मेन होते हैं. हर नाउन का एक अपना आर्टिकल होता है. डेयर मैस्कुलिन होता है, डी फेमिनिन होता है, दास नॉयत्रुम होता है या न्यूट्रल होता है, और इन तीनों का ही जो प्लूराल होता है वो डी. अच्छा, अब नीचे जो मैंने लिखा ना फ्रेंड्स, यही है आर्टिकल व्यूटर आल्स प्रोनोमन. सबसे ऊपर देखिए नॉमिनेटिव केस. अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिए भी. जो डेयर होता है नॉमिनेटिव केस में, आइनर होगा उसका अनबेस्टिम्ड आर्टिकल और नेगेटिव होगा काइनर, और पोजेसिव आर्टिकल उसका बनेगा माइनर. तो देखिए, डाइनर भी हो सकता है, जाइनर भी हो सकता है, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पोजेसिव आर्टिकल्स, वो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने माइनर लिखा है तो बाकी के पोजेसिव आर्टिकल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो डेयर का हो गया आइनर, काइनर और माइनर. डी के केस में जो आर्टिकल वर्ड होगा एस प्रोनोमन, आइनर, काइनर और माइनर. दास के केस में अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आइंस और काइंस और माइंस, ठीक है. टी के केस में, प्लूराल के केस में, अब ये ध्यान से देखना आपने, जो होगा वेल्शियो, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो काइनर और पोजेसिव है तो माइनर. तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव. अब हम बात करेंगे अकुजेटिव केस में, तो सिर्फ इसमें एक ही चेंज होता है फ्रेंड्स. ऊपर जो आइनर, काइनर और माइनर था, यहाँ पे हो जाएगा आइनन, काइनन और माइनन, और पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है. डी में आइनर, काइनर, माइनर, दास में आइंस, काइंस और माइंस, और प्लूराल डी में भी एज इट इज सेम है, वेल्शियो, काइनर और माइनर. तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव और अकुजेटिव. अब हम देखते हैं डेटिव केस, जो मैं आपको बताऊँगा. देखिए, अब इसमें जो डेर होगा वो बन जाएगा आइनम, काइनम और माइनम, और जो डी होता है फेमिनिन ये बन जाएगा आइनर, काइनर और माइनर. दास जो होगा आइनम, काइनम और माइनम. तो अगर आप देखें जो डेर है और जो दास है डेटिव केस में, वो एज इट इज़ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. लेकिन जब हम प्लूराल की बात करेंगे डी में, तो होगा वेल्शियन, काइनन और माइनन.
तो फ्रेंड्स, ये एक नई चीज़ है आपके लिए। आई होप सो कि शायद आपने ये पहले ना कभी सुना हो या पढ़ा हो कि आर्टिकल वर्ड्स को प्रोनाउंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो जो बेस है वो तो डे डी डास और डी है, लेकिन जब आर्टिकल वर्ड्स को प्रोनाउन बनाते हैं तो नॉमिनेटिव, अकुजेटिव और डाटिव पूरा कंप्लीट टेबल है। इसको आप नोट कर लें, या आप इसको लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि इसी टेबल को रेफरेंस बना के मैं अब आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नॉमिनेटिव के साथ। देखिए, तो सिर्फ नॉमिनेटिव पोर्शन को ही मैंने जो है कैरी फॉरवर्ड कर लिया। डे डी डास टी, आइनर काइनर माइनर, डी आइनर काइनर माइनर, दास आइंस खाइंस माइंस, और डी जो आपने देखा था वेल्शियो काइनर और माइनर। अब मैं एक फ्रेज, एक सेंटेंस आपको बनाऊंगा नॉर्मल सेंटेंस में, और उसके साथ ही आपको बना के बताऊंगा इन आर्टिकल वर्ड्स को प्रोनाउन के साथ। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्कुलिन के केस में। यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा, इस्ट एयर टेयर लेरर इज ही द टीचर। अब मैं इसको यूज़ करूँगा आर्टिकल वर्ड्स एज प्रोनोमन के साथ। देखिए, अगर मैं येस बोलता हूँ, या एयर इस्ट आइनर, येस ही इज़ वन, तो देखिए क्या चेंज आया। जो डेयर लेरर था, अब यहाँ पे आइनर बन जाएगा। ठीक है, आपको लेरर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है आर्टिकल वर्ड को यूज़ करना एज ए प्रोनोमन, इस्ट एयर डेयर लेरर या एयर इस्ट आइनर। तो देखिए, डेयर के केस में मैंने सिर्फ आइनर यूज़ किया। ठीक है, अगर आप नाइन में आंसर करते हैं तो आप काइनर लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया मैस्कुलिन। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में। यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा, इस्ट दास दाइना शूल, इज दिस योर स्कूल। अब यहाँ पे मैंने एक पोजेसिव आर्टिकल लिया दाइना, तो देखिए अब मैंने इसको नो में बनाया नाइन। दास इज निस्ट माइनर, तो शूल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, नो दिस इज नॉट माइन। तो देखिए, जो दाइना था यहाँ पे बन गया माइनर। यही हो गया आपका आर्टिकल वर्ड एज प्रोनोमन फेमिनिन के केस में, शूल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम नॉइट्रूम के केस में। वॉज प्योर आइन आउटो इज दास, वट काइंड ऑफ कार इज दैट। तो यहाँ पे मैंने काइंस में बना दिया, आप ऊपर देखिए दास के टेबल में, एस इज काइंस दास ये मन फारन खान। तो ये मैंने हाउप सार्स और नेबन सार्स में बनाया आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। इट्स नॉट वन दैट एनी वन कैन ड्राइव। तो देखिए, यहाँ पे जो आइन था यहाँ पे हो गया काइंस, क्योंकि दास के टेबल में ऊपर काइंस है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको नेगेट किया। ठीक है, अब देखते हैं प्लूराल के केस में। जिन जी डी इंटरजांटर लॉयटर आर दे द इंटरेस्टिंग पीपल। मान लीजिए कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछ रहा है कि क्या वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लोग हैं जो मेरे से पढ़ना चाहें या मेरे साथ जाना चाहें, जस्ट इसको ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो सामने वाला आंसर करेगा हियर ट्रिफ्ट मान वेल्शर, हियर समवन मीट्स सम। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे था डी, यहाँ पे हो गया वेल्शर, क्योंकि ऊपर आप टेबल में देखिए डी के केस में वेल्शर। तो मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रुम और प्लूराल के केस में बताया कि आर्टिकल वर्ड्स कैसे प्रोनाउन में चेंज होते हैं। कुछ आंसर मैंने येस में किए, कुछ नो में किए, और आप देखिए मैंने पोजेसिव आर्टिकल्स भी यूज़ किया और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल भी यूज़ किया कहीं कहीं, आपको जस्ट समझाने के लिए सारे के सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आर्टिकल व्यूटर अस प्रोनोमन नॉमिनेटिव के केस में। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं अकुजेटिव के केस में सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो डेन था आइनन काइनन और माइनन बन जाएगा, रेस्ट ऑल सेम जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पे हम अकुजेटिव वर्ब्स लगाएंगे, रूल ग्रामर का वही है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। देखिए, मास्कुलिन की अगर हम बात करें, फिंडन जी आइनन गार्टन, आर यू फाइंडिंग अ गार्डन। अगर मैं नो में करूँगा नाइन, इश फिंड काइनन, नो आई एम नॉट फाइंडिंग, तो गार्डन लगाने की जरूरत नहीं है। यही हो गया आपका आर्टिकल वर्ड एज प्रोनोमन, जो आइनन था यहाँ पे बन जाएगा काइनन, क्योंकि मैंने जो डेन के केस के अंदर सिर्फ नेगेट किया तो बन गया काइनन। फेमिनिन देखिए, गिप्टस आइन बैंक हियर, इज देयर एनी बैंक हियर। मान लीजिए कोई पर्सन कोई बैंक ढूंढ रहा है तो किसी और पर्सन से पूछ रहा है, इज देयर एनी बैंक हियर, तो सेकंड पर्सन आंसर करेगा अगर येस है तो, या एस्केप्ड आइना हियर, येस देयर इज वन हियर, बैंक लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आइना जो है वो आइना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर जो इसका था येस में, अगर नो में होता तो एस्केप्ड काइना हियर हो जाता। अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में एक फ्रेज, जीस्ट डू जाइन श्योनस हाउस था, आर यू लुकिंग हिज हाउस देयर। तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के लिए कि क्या तुम उसके घर को देख रहे हो, तो आंसर अगर वो नाइन में करता है नाइन, इश जेम माइंस, नो आई एम लुकिंग माइन, मैं उसका घर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना घर देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो जाइन था यहाँ पे हो गया माइंस, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस का आर्टिकल वो होता है दास, और दास के ऊपर आप टेबल में देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया पोजेसिव आर्टिकल्स यानी माइंस। तो
तो ये हो गया आपका नॉयत्रुम के केस में। अब हम देखते हैं प्लूराल के केस में, वो गिफ्ट एस स्पोर्ट्स गिशेफ्ट, वेर आर देयर स्पोर्ट्स शॉप्स। तो यहाँ पे किसी ने आंसर किया इम स्टार्ट सेंट्रम गिफ्ट एस वेल्शर, देर आर सम इन द सिटी सेंटर, कि आपको सिटी सेंटर में कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। तो यहाँ भी मैंने यूज़ किया वेल्शर। तो देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स गिशेफ्ट था वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जगह आपने उसका जो है आर्टिकल वर्ड यूज़ कर लिया एस प्रोनाउन, यानी कि वेल्शर। तो फ्रेंड्स ये सारी आपकी अकुजेटिव वर्ब्स थी, तो अकुजेटिव वर्ब्स में जो है आर्टिकल भी वैसे ही लगते हैं जो हमारे होते हैं अकुजेटिव टेबल में। तो देखिए ये मास्कुलिन फेमिनिन नॉयत्रुम और प्लूराल के केस में हो गया। रूल बिल्कुल ग्रामर वाइज सेम है जो आपने पिछली स्लाइड में नॉमिनेटिव के केस में देखा था। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम देख लेते हैं डार्टिव केस। ग्रामर वाइज वो बिल्कुल सेम होगा, बस उसमें डार्टिव वर्ब्स मैं यूज़ करूँगा। देखिए तो ये आपका रेफरेंस के लिए जो है मैंने टेबल यहाँ लिख दिया है, डेम आइनम काइनम माइनम हो गया, डेर आइनर काइनर और माइनर, बाकी जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला फ्रेज हम देख लेते हैं मास्कुलिन के केस में, अनफोटेड लेयर आइनम स्टूडेंट इज अ टीचर आंसर अ स्टूडेंट। तो अनफोटन आपकी एक डार्टिव वर्ब है, तो वो हो गया आपका आइनम, ठीक है। अब अगर नो में उसका आंसर है तो देखिए नाइन एयर अनफोटेड काइनम, नो ही डज नॉट आंसर एनी वन, तो स्टूडेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जो आइनम था यहाँ पे कन्वर्ट हो गया काइनम में, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने नेगेट किया। तो डेम के केस में आप देख सकते हैं ऊपर काइनम। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, हेल्प्ड नागपर आइनर डामा इज अ नेबर हेल्पिंग अ लेडी। तो हेल्पन आपकी डाटिव वर्ब है, नागपर के साथ वो कॉन्जुगेट हो गया आइनर डामा, तो ये आपका हो गया नाउन। अब इसका आंसर यस में है, या एयर हेल्प्ड आइनर, यस ही इज हेल्पिंग वन। और जो आइनर डामा था यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आइनर में, डामा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डामा का सिनोनिम फ्राओ भी होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नॉयत्रुम के केस में, श्मेक्ट नागपर जाइनम एसन डज नेबर लाइक्स हिज फूड। तो देखिए श्मेकन आपकी डाटी वर्ब होती है, कॉन्जुकेट हुई नागपर के साथ, और जाइनम एसन वो आप देखिए नोमन है, तो यहाँ पे आंसर यस में है, या एयर श्मेक्ट आइनम, यस ही लाइक्स वन। तो देखिए जाइनम यहाँ पे हो गया आइनम, एसन को लगाने की जरूरत नहीं है। और आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्लूराल के केस में, फॉल्गन डी किंडर डेन आन वाइजुंगन, डू द चिल्ड्रन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने इसका आंसर नाइन में किया, नाइन जी फॉल्गन काइनन, नो दे डोंट फॉलो एनी। तो देखिए जो आपका आन वाइजुंगन था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया काइनन में, जो ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, मैंने आपको डिटेल में बताया तीनों केस के अंदर नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव और डाटिव जो आर्टिकल वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसमें आपको नाउंस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो टेबल मैंने आपको डिफाइन किया है ये आपको याद करना है, इसको ऐसे ही यूज़ करना है। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये B1 लेवल का कॉन्टेंट है और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, स्लाइड्स के थ्रू बताया, प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। आप चैनल के साथ एंगेज्ड हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप कुछ और भी वीडियो चाहते हैं किसी और चीज़ पे, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं सेशन बनाऊं, वीडियो बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट में आपसे बोलूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा वीडियो, अगर आपने देखा इस वीडियो को समझा, इस कॉन्सेप्ट को समझा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। नंबर आप फिर से देख सकते हैं, मेरा नाम जतिंदर सिंह है। जर्मन पढ़ना चाहें अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ, आपको रिवर्ट करूँगा, आंसर करूँगा फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जल्दी मिलेंगे, बिस बार, ट्यूस, ऑफ द सेन।